गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 11 ग्राम चिन्ह। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में ग्राम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम चिन्ह क्या है? भाषा को लिखते समय या बोलते समय बीच बीच में रुकना, लिखते समय रुकने वाले स्थान पे क्या है, ग्राम चिन्ह लगाया जाता है। ग्राम का अर्थ यानी रुकना, चिन्ह का अर्थ यानी निशान। ये चिन्ह क्या है? ग्राम चिन्ह कहलाते हैं। और ग्राम चिन्ह के चिन्ह कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार से हैं। ग्राम चिन्ह के हैं 9 प्रकार के होते हैं और ग्राम चिन्ह की परिभाषा इस प्रकार से है। जो चिन्ह भाषा के लिखते समय व वाक्य में कहीं रुकते समय प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो बीच बीच में जहाँ रुकते हैं वहाँ पे क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विराम चिन्ह कौन कौन से हैं देखिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह या जिसे हम क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। ये चिन्ह कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? जहां पे हमारा कोई वाक्य पूरा हो जाता है वहां पे पूर्ण विराम लगता है। जैसे क्या है, मेरी बहन ने मुझे एक उपहार दिया। यहाँ पे क्या लगेगा? पूर्ण विराम। यहाँ पे हमारा वाक्य पूरा हो गया है तो क्या है, पूर्ण विराम लगेगा। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ये अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम क्या है? जहां पे वाक्य में क्या है, कम समय में रुकने के लिए। जैसे क्या है, जैसे क्या है, रवि कुमार। यहाँ पे हमने रवि के बाद क्या है, रुकना, रुके हैं तो क्या है, यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया है। कुमार धीरज, सब कुमार धीरज, सब फिल्म देखने गए। तो यहां पे संज्ञा शब्द जो है इनमें हमें क्या है, कम समय में, मतलब जैसे हमने रवि बोला फिर उसके बाद हम रुके तो कोमा, फिर कुमार, फिर अल्प विराम, यहाँ पे धीरज, सब फिल्म देखने गए। फिर है यहाँ पे अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह है अर्ध विराम कहाँ पे लगेगा, वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए होता है। जैसे सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, सूरज निकला,
अपेरा हुआ, सूरज निकला, इसके बाद लगेगा हमारा अर्ध विराम का चिन्ह। अब मत सो, सवेरा हुआ, सूरज निकला, थोड़ा ज्यादा समय में रुकने के लिए क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब मत सो, तो इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, जैसे वाक्य में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे क्या है, आप घर कब वापिस, आप घर कब वापिस आएंगे, यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन चिन्ह। योजक चिन्ह, वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग क्या है, शब्दों को जोड़ने और एक ही शब्द के दो बार आने पर किया जाता है। ये क्या है, योजक चिन्ह है। शब्दों को जोड़ने के लिए क्या है, जहां पे एक ही शब्द के दो बार आने पर क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे धीरे, बीच में योजक चिन्ह लगने के बाद फिर क्या आएगा, धीरे धीरे धीरे, जैसे क्या है, भाई, फिर योजक चिन्ह बहन, आदि शब्द, कई ऐसे शब्द होते हैं। अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह के बाद है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के निशान इस प्रकार से हैं, और जैसे क्या है, अवतरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ ने कहा, माँ ने कहा, माँ ने कहा, उसके बाद क्या लगेगा, अवतरण चिन्ह लगेंगे, कमला स्कूल का कार्य जल्दी, स्कूल का कार्य जल्दी समाप्त करो, माँ ने कहा, कमला कमला, फिर रुक रहे हैं, स्कूल का कार्य जल्दी, स्कूल का कार्य जल्दी करो, यहाँ पे क्या है, माँ ने कहा, फिर हम रुके, अल्पविराम है, फिर अवतरण चिन्ह कमला,
फिर रुके स्पोर्ट लगा रहे, जल्दी समाप्त करो। मां ने कहा, यहाँ पे हम रुके तो अल्पविराम है, फिर अवतरण चिन्ह कमला, फिर अल्पविराम, क्योंकि हम यहाँ पे रुक रहे हैं, स्कूल का कार्य जल्दी समाप्त करो, और यहाँ पे क्या है अवतरण चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है। ठीक है, उसके बाद है आश्चर्य सूचक चिन्ह या विस्मय आदि बोधक चिन्ह। एक चिन्ह कब लगते हैं, जब क्या है जिन वाक्यों में क्या है आश्चर्य घृणा शोक हर्ष आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं पे अचानक से कुछ चीज हमें दिख गई तो हम क्या करते हैं वहां पे आश्चर्य से बोलते हैं, जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं आह कितनी सुंदर चीज है। तो उस प्रकार से इसमें ये विस्मय बोधक चिन्ह या आश्चर्य सूचक चिन्ह किस प्रकार से है, जैसे अरे, इसके बाद क्या है विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, यह यह तुमने सारा कार्य गलत उतार लिया, जैसे हम किसी को आश्चर्य से बोलते हैं अरे यह तुमने सारा कार्य गलत उतार लिया। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह, बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह कौन से हैं, जैसे उसने कहा, उसने कहा, फिर यहां पे निर्देशक चिन्ह रवि कल आएगा, कल इसके बाद है कोष्टक चिन्ह, किसी शब्द का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोष्टक चिन्ह कैसे हैं, ये कोष्टक चिन्ह है, जैसे सरला ने दसवीं की परीक्षा कोष्टक चिन्ह में क्या है, सरला ने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, घर में अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।